आज के दौर में आप किसी प्रकार की दूरसंचार उपकरण पर भरोसा नहीं कर सकते, मोबाइल पे भी नहीं कर सकते, अब पेजर पे भी नहीं कर सकते, वाकी टाकी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल हुआ क्या है, इजराइल की खुफिया संस्था है मोसाद, मोसाद ने क्या किया कि लेबनान में एक राजनीतिक दल है हिजबुल्ला, और साथ ही साथ हिजबुल्ला को कई देश आतंकवादी संगठन मांगते हैं। ये जो छोटा सा देश है ये लेबनान है। अब यहाँ पर देखिए, लेबनान के जो आतंकी संगठन हिजबुल्ला है उसके जो सदस्य होते थे वो आपको वाकी की और पेजर का इस्तेमाल करते थे। तो इजराइल की खुफिया संस्था मोसाद ने क्या किया, इन पेजरों का निर्माण यहां पे ताइवान में हुआ था, तो ताइवान की जो फैक्ट्री है उसमें घुस गए, कई महीनों तक उन पे काम किए और उस पेजर में ही 3 ग्राम का विस्फोटक यहाँ से लोड कर दिए या उसमें लगा दिए, और उसको यहाँ पर वापस आकर अपने देश में अभी परसों ही इसे एक्टिवेट कर दिए। एक्टिवेट करने से ये जो पेजर है जो लेबनान के आतंकी लोग यूज़ कर रहे थे उस पेजर में विस्फोट हुआ, और आम आतंकवादी से लेकर बड़े बड़े राजदूत तक उस पेजर विस्फोट में घायल हो गए। अब पेजर विस्फोट के बाद जस्ट तुरंत बाद अगले ही दिन वाकी टाकी जो ये आतंकवादी यूज़ करते थे उसमें भी विस्फोट हो गया है। तो कुल मिला के 32 लोगों की मौत, जो हिजबुल्ला के आतंकी सदस्य हैं 32 लोगों की मौत और 3500 लोग लगभग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में दूरसंचार उपकरण में सेंध लगाना बहुत ही आसान हो चुका है। तारीफ करनी पड़ेगी मोसाद की मेहनत को, इजरायली लोगों की मेहनत को। मात्र 90 लाख की यहूदी हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से ये प्रतिरोध कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को खासकर सनातन धर्मियों को इनसे सीखना चाहिए।